एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक उन पर लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन हमलों और आरोपों के बीच समीर वानखेड़े सोमवार को एससीआईओ के अध्यक्ष विजय सांपला से मिलने और अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली पहुंचे। समीर वानखेड़े ने आयोग के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। आयोग ने जो भी जरूरी दस्तावेज मांगे हैं वो सभी कागजात आयोग को दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि उनकी सभी शिकायतों की जल्द ही जाँच की जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है जी। कि जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। बता दें ये बैठक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर के समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से मिलने के बाद हुई। हल्दर की समीर वानखेड़े के परिवार के साथ मुलाकात को लेकर अब एक बार फिर से नवाब मलिक ने अरुण हल्दर पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक वैधानिक पद पर बैठे अरुण हल्दर समीर वानखेड़े के घर पर जाकर कागजात उलट पलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। मलिक ने कहा कि अरुण हल्दर का ये व्यवहार कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। वैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हल्दर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है, उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में उदित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हल्दर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। एनसीपी नेता ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर भी हमला बोला। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, देश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री जिनका काम अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय देने का है, जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया वो उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाते हुए उनके धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आईएनएस रिपोर्ट।